तो देखिए हमने अभी तक यहाँ पे जो है पेंट में केवल जानते थे क्या चीज कि हम इसमें कोई भी लोगो बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम अपना कलर भी दो कलर एक साथ मिक्सिंग कर सकते हैं, यानी कि ग्रिड लाइन भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दो कलर मिक्स किया गया है। अब ये मिक्स कैसे किया गया है इसको पूरा जानने के लिए हमको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि दो कलर मिक्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और फिर से एमएस पेंट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा एमएस पेंट ओपन हो गया। अब देखिए इसका जो वर्किंग एरिया यानी पेज जो है ये पूरा फुल है, ठीक है। तो इतना पेज हमें वर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसके जो है स्पेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब कम कैसे करेंगे, जाएंगे फाइल मेनू में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्या चीज़, प्रॉपर्टीज। सिंपली प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है इंच होगा, उसके बाद में सेंटीमीटर्स हो जाएगा, पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पिक्सल पे ऑलरेडी क्लिक है और क्लिक रहने देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो आपको 3125 हो रहा है और ये 720, तो हम जो है जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब के थंबनेल के लिए जो मतलब लोगो तैयार किया जाता है वो होता है 1080, तो हम यहाँ से 1080 कर लेते हैं और यहाँ से 720 रहने देते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या हुआ, पेज छोटा हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें एक और चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो 100% हमारा पेज का साइज रहता है इस पर एक बार क्लिक करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि इसको 50 कर लेंगे 50% पर। तो ये क्या होगा, हमको कंफर्टेबल हो गया डिजाइन करने के लिए। अब ये पेज हमको चारों ओर से दिखने लगा। अब जो भी कलर मिक्सिंग करना हो उस कलर को इस पर डालना होगा। तो जैसे हमको एक रेड कलर मिक्स करना है तो यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट किए और यहाँ पे फिल विथ कलर जो बाल्टी का कलर है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल कर लेंगे। फिल करना तो आपको आता होगा, यहाँ से हमने क्या किया, ये कलर को फिल कर लिया। अब देखिए हमको इसमें दो कलर मिक्स करना है तो एक कलर और लेना पड़ेगा, तो वो कैसे लेंगे, तो उसको लेने के लिए इसमें जो है एक लकीर खींचना होगा। तो यहाँ से हम क्या किए, लाइन को क्लिक किए और यहाँ इसका कलर जो है, जैसे मान लीजिए कि हम येलो लेते हैं तो येलो कर लेते हैं, जो भी कलर लेना हो यहाँ से उसको कर लेंगे और इस लाइन को जो है बीचों बीच काट देंगे। देखिए ये कट गया। अब जो है माउस में अलग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमको थोड़ा सा भाग जो है यहाँ पे छूट गया है, क्योंकि जब हम कलर फिल करते हैं यहाँ से तो अगर कटा होगा तो फिल नहीं होगा और नहीं कटा होगा तो फिल हो जाएगा। तो हमारा नहीं कटा है इसलिए ये क्या हो गया, फिल हो गया, यानी कि इसमें क्या हो गया, दो कलर हो गया। अब इस कलर को हमको क्या करना है, मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हमको जाना है यहाँ पे इमेज ग्रुप में। इमेज ग्रुप में आपको यहाँ पे रिसाइज दिखेगा, इस रिसाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे रिसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज है और पिक्सल है, तो हमको क्या करना है, पिक्सल पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, इसको जो है अनटिक करना है। यहाँ से पहले से टिक लगा होगा, इसको क्या करना है, अनटिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे हॉरिजेंटल में क्या करना है, एक लिखना है। जैसे 1080 है तो हमको क्या करना है, 1 डालना है और यहाँ से ओके करना है। तो यहाँ का जो हमारा पेज था वो यहाँ पे 1% में आ गया, मतलब 1 पिक्सल में आ गया, ठीक है, सॉरी परसेंट में, पिक्सल में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर से हमको रिसाइज में जाना है, ठीक है। और अब का बार क्या करना है, जैसे मैंने पहले पिक्सल सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे परसेंटेज में ऑटोमेटिक टिक लगा रहेगा, तो आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। फर्स्ट बार में पिक्सल सेलेक्ट करना है, सेकेंड बार से परसेंटेज में टिक रहने देना है, केवल इसको हटाना है, मेंटेन लिखा हुआ है इसको हटा देना है टिक को, और यहाँ से जो है 100 के जगह पर हमको क्या लिखना है, 500 लिख के यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा। फिर आपको दो बार तीन बार ऐसा ही इसको करना है, मेंटेन को हटाना है और यहाँ से 500 लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ये 500 ही लेता है, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर से रिसाइज में जाएंगे, मेंटेन को हटाएंगे और यहाँ से 500 डालेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। सेम इस प्रक्रिया को आपको 3 से 4 बार करना है, जब तक आपका ये पूरा पेज ना हो जाए, ठीक है। देखिए इतना हो गया, अब यहाँ से एक बार और हम करके देखते हैं, तो ये हमारा यहाँ तक आ गया, यानी कि पूरा पेज हमारा हो गया, देख सकते हैं यहाँ से पूरा पेज पे आ गया है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 50 जो था यहाँ पे हमने साइज किया था, इसको अगर 100 कर देंगे तो ये पूरा हमारा पेज पे हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं पूरा पेज पे हमारा क्या हुआ, दो कलर मिक्स हो गया। तो इस तरह आप जो भी कलर मिक्स करना चाहें आराम से मिक्स कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो कलर मिक्स कैसे करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।